इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नव सुर जय जय जयति पुकारे, सब देवता आ गए। भगवान शिव ने समाचार पूछा, कहो अमर आए के। भगवान शिव ने विनोद किया कि आप लोग अमर हैं तो फिर मृत्यु की डर से क्यों आए? अजब बड़ा सुंदर अवसर है हो। कोई न आने वाला आदमी यदि कई बार आपके घर आवे तो होता है ना कि जरूर कोनो काम है, तब इतना फुर्सत में है ही का हो। कई बार दिखाई पड़ा, ऐसे ही टहरत आ गए थे। चार पांच दिन बाद बताई है कि हाई काम था इसलिए आए, क्योंकि पहले नहीं आए थे। इसलिए बाबा ने पूछा, क्योंकि कोई नहीं आया था कब, जब सती मैया जल गई तब, अब आए तब। बाबा ने कहा, कहो आए के ही। आपका प्रयोजन क्या है साहब? हेतु बताइए, क्यों? बिना हेतु जैबे न करेंगे। निष्प्रयोजन भी आते जाते रह जाए हो, ये व्यवहार है। काम पड़ी तबे इवा जैबा तो देवत्व हो जाएगा। ना ना ना, आते जाते थे, आते जाते तो फिर बाबा के जय जयकार देवता लोग करते हैं। मैं बाबा के विवाह की ओर आपको ले चलूं। प्रातः स्मरणीय पूज्य बाबा राजकुमार दास जी महाराज हमारे आश्रम के मुखिया हैं, अयोध्या जी की अनेक संस्थाओं के अध्यक्ष हैं। आपके मार्गदर्शन में अनेक परमार्थ संस्थाएं चलती हैं, और आज महाराजा श्री ने इस कथा में सत्र को उद्घाटित करने की कृपा की है। तो आपके ही मार्गदर्शन में अपने लोग श्री रामाचन मंदिरम का स्वरूप दिव्य भाव को प्रदान करने की प्रार्थना और कामना करते हैं। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद हम आप प्राप्त करें, तत्पश्चात बाबा के विवाह में गति करेंगे। दो बार तब तक हरि नाम का स्मरण करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसुवनं च प्रणमामि पुनः पुनः। परमाराध्य श्री सीताराम जी, परमाध्यक्ष श्री हनुमंतलाल जी, व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय पूज्यचरण श्री व्यास जी महाराज, संगीत के माध्यम से इस कथा में सहयोग दे रहे सभी बंधुजन, भगवत कथा परायण आप सभी परम भागवत माताएं, बहनें, भाइयों, पुरुषोत्तम मास जैसा कि अभी पूज्य महर्षि से हम लोगों ने सुना, सभी महीनों से श्रेष्ठ ठाकुर जी ने अपना नाम दिया,
कथा के क्रम कहाँ कहाँ से और कैसे और किस तरह से श्रवण किया जाए, इस विषय में हम लोगों ने सुना श्री मानस जी की एक एक चौपाई मात्र ही नहीं, ये मंत्रवत है जीवन में एक भी आत्मसात करके और उसके अनुसरण में जीवन रहे, ये पाथेय होगा जीवन का। तो निश्चित रूप से ठाकुर जी की ये लोक कल्याण तो होगा ही, परलोक की भी जो इस जीवन का चरम परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उसको भी प्राप्त कराने वाले। और हम ठाकुर जी के कैसे समीप पहुँचें ये भी कथा में हम लोगों ने सुना कि पहले जाना जाए और जानने के बाद प्रतीत हो फिर भरोसा हो, ये अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे। नीलकंठ ग्रुप के हमारे बाबू बीरेन भैया जी परम भाग्यशाली हैं क्योंकि लखनऊ इस पावन गोमती तट पर हम सभी लोगों को कथा श्रवण का 10वां साल जैसा महर्षि से भी हमने सुना, 10 वर्ष से लगातार। एक वर्ष कोई कार्यक्रम करना हो तो आदमी 10 साल तक योजना बनाता है और 10 साल से श्री राम कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। अभी श्री राम जन्मोत्सव पर हम लोग भी पहली बार, मैं भी 9 दिन तक आश्रम की कुछ सेवाएं होती हैं, अवसर नहीं मिलता है, लेकिन प्रथम बार पूज्य श्री मुरारी बापू जी को सुनने का अवसर मिला था, या तो महाराज जी की कथा 9 दिन तक ठाकुर जी की कृपा से सुनने का अवसर मिला, हम लोग भी इसमें शामिल हुए, परम भाग्यशाली हैं क्योंकि ठाकुर जी की कृपा ही मूल में है। महाराज जी भी अभी हम लोगों को बता रहे थे कि उनकी कृपा के बगैर ये संभव नहीं, इतना बड़ा आयोजन, कोई घर में छोटा मोटा फंक्शन हो तो कितना परिश्रम करते हैं लोग, लेकिन केवल ये नीलकंठ ग्रुप के हमारे भैया जी हैं वीरेंद्र बाबू जी, ये इनकी यश कीर्ति और महाराज जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। श्री रामार्चन मंदिरम की परिकल्पना जो महाराज जी अभी हम लोगों को बता रहे थे, ठाकुर जी के समस्त परिकरों और धाम जो भी ठाकुर जी से हमारे जुड़े हुए हैं उनके पूजन की विधि कैसे है और उसका एक भव्य स्वरूप श्री रामार्चन मंदिरम के रूप में श्री रामबल्लभा कुंज के पूर्वाचार्यों के द्वारा संकल्पित रहा है। कार्यकालवश कुछ ऐसे अवरोध आए लेकिन उसके कुछ काम पूरे भी हुए हैं, से पिलर का काम पूरा हो चुका है, जमीन का ऊपर का काम शुरू होना है। महाराज जी ने दर्शन किया उस प्रोजेक्ट का, तो अपने आप एक ऐसे जैसा आप अभी निवेदन कर रहे थे कि मेरे मन में तो पूर्व से संकल्प था लेकिन वहाँ जाने के बाद ये हुआ कि अब और कुछ नहीं, बस इसी निर्माण को पूरा करना है। तो महजन का संकल्प है और आप सभी लोगों का सहयोग, महाराज जी के जो भी बंधुजन हैं प्रेमी हैं, महाराज जी कहे मैं शिष्य नहीं बनाता, सभी मेरे भाई हैं, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहकर महाराज जी के ही श्रवण करने के लिए आज आदेश हुआ और मुझे भी अवसर मिला। आप सभी को पुनः पुनः बधाई और कभी पहुँचें तो आश्रम जरूर पधारें, दर्शन करें ठाकुर जी के यहाँ, और दर्शन करने मात्र से ही इसे रामार्चन में भूल बस एक पुष्प अर्पित हुआ था, उसका पुण्य इतना हुआ कि पुष्पक विमान ठाकुर जी के द्वारा प्रेषित हुआ, जो कि जीवन भर में कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया था, ऐसा एक आख्यान विमद नाम के से आता है कि उसने भूल से टूटा हुआ पुष्प ठाकुर जी की प्रधान पूजा में अर्पित होने की वजह से पुष्पक विमान आया था और श्री धाम की प्राप्ति हुई। और जो प्रेम पूर्वक ऐसा पूजन अर्चन और दर्शन करेंगे निश्चित रूप से उनके लोक की कल्याण और परमार्थ की सिद्धि, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और लाखों लोग ऐसे हैं श्री रामार्चन के पूजन प्रभाव से जिनको
उसका प्रत्यक्ष अनुभूत सत्य है, जो कि उनकी कामनाएं पूर्ण हुई हैं। ठाकुर जी के चरणों में ऐसी ही प्रीति बढ़ती रहे, और कथा का फल तो कथा ही है, जैसे 10 साल से सत्र ये चला रहा है, इसी से ठाकुर के चरणों में अनुराग प्रेम प्राप्त होगा। पुनः पुनः सभी को बहुत बहुत वंदन नमन, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए जय श्री राम। हम सबका सौभाग्य पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। संत भगवान के दर्शन का करोड़ गुना फल है, एक अन्न के दान का करोड़ गुना फल है। इस मास में गंगा स्नान का फल है, सरयू स्नान का, गोदावरी स्नान का फल है, सत्कर्मों का फल है। जितना कर जाएंगे भगवान की सेवा में समर्पित होगा, तो हम आप सौभाग्यशाली हैं। नित्य किसी न किसी विशेष महापुरुष का आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा, ऐसी रचना है। ठाकुर जैसा करेंगे वैसा करेंगे, हमारा आपका सौभाग्य सराहते चलिए। भगवान शिव देवताओं से पूछते हैं, देवता लोग स्तुति कर रहे थे, शांत हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, सभी देवताओं के हृदय में मन में ऐसा भाव है प्रभु, सब आपका विवाह महोत्सव दर्शन करना चाहते, यह उत्सव नेत्रों को दिखाकर धन्यता प्रदान करिए। भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया। श्रेष्ठ को हां करने में समय नहीं लगता, एक पल नहीं लगा हो। तथास्तु। सप्तर्षि गए, मां को सुनाया, जय जयकार किया, निष्ठा सुनकर हिमांचल जी को सुनाए काम दहन, फिर रति जी को वरदान। हिमांचल जी गदगद हुए, लग्न पत्रिका लिखवा करके लाए इधर। भगवान ब्रह्मा ने बांच कर सबको सुनाया, वैशाख शुक्ल पक्ष दिन गुरुवार पंचमी तिथि, बाबा के विवाह की तिथि। पुराणों में अनेक पठांतर हैं, वर्तमान कल्प में शिवरात्रि को बाबा के विवाह की तिथि मान ली गई। नाना भांत, नाना पुराण निगमागम, देवता लोग अपने अपने लोग गए हो। देखिए, आपके जीवन में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपके व्यवस्था को ही अपनी व्यवस्था मान लें। 80% लोग ऐसे होते, हमको तो बताया ही नहीं, हमको तो कहा ही नहीं, हमसे तो पूछा ही नहीं। क्यों, आप फूफा है का? लेकिन जिसको करना होता है, कोई न पूछे वो करता ही रहता है। भगवान किसी से पूछते हैं क्या? करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो श्रेष्ठ। करता है, करता वही है। सब देवता गायब है। जब कोई बड़ा उत्सव होता है तो बहुत बढ़िया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, खाए बहुत बढ़िया कपड़ा पहनो तो कपड़े समारत में उत्सव समाप्त हो जाता है। समझदार आदमी कितना भी बड़ा उत्सव करता है, कपड़ा सामान्य पहनता है, जिससे टेंशन न हो। पता चला कपड़े पहन लिए, वह नहीं सम्राट बाप, फिर तो हो गया काम, जय श्री कृष्ण हो गया। कपड़े में झुरा जाते हैं लोग, अरे भैया ये ठे कपड़ा है। हो आदमी का जिस्म क्या है, आहा हा कपड़ा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को अवश्य दबा दें।